नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तान्या अनेजा और टेक्निकल गपशप के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां हम टेक्निकल मार्केट आउटलुक डिस्कस करते हैं, कौन से सेक्टर्स फोकस में हैं ये भी आपको बताते हैं, और कुछ ऐसे टेक्निकल स्टॉक आइडियाज़ भी बताते हैं जिन पर नियर टर्म के लिहाज से आप रख सकते हैं अपनी नज़र। तो देखिए, अगर हम मार्केट्स की बात करें तो ये जो हफ्ता हमने देखा है काफ़ी शानदार हफ्ता रहा है मार्केट्स के लिए। निफ्टी ने अपना जो 4 मंथ हाई है वो बनाया है, सेंसेक्स ने भी अपना 3 मंथ हाई हिट किया है, 61,749 तक के लेवल्स हमें देखने को मिले हैं सेंसेक्स पर। और देखिए, FII की तरफ से जो लगातार बाइंग हो रही है उससे भी कहीं ना कहीं जो मार्केट को एक सपोर्ट है वो मिला है। हालांकि अगर हम फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो उसमें हमने देखा है कि HDFC ट्विंस में जो बिकवाली हमें देखने को मिली है उसके चलते कहीं ना कहीं जो मूड है वो ख़राब ज़रूर हुआ है। और देखिए, जो ग्लोबल क्यूज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं वीक नज़र आ रहे हैं। अब ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नियर टर्म के लिहाज से कौन से वो ऐसे लेवल्स हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और आगे चलकर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने के लिए चलिए फटाफट से अपने जो मेहमान हैं आज इस शो के उन्हें शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मिलन वैष्णव सर, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट हैं और फाउंडर भी हैं जेमस्टोन इक्विटी रिसर्च के। थैंक यू सो मच मिस्टर वैष्णव, वंस अगेन आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे साथ इस शो में आज जुड़े। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये जो हमने रैली एक देखी है आते हुए मार्केट्स में फ्राइडे थर्सडे के सेशन में, बुल्स हमने देखा था कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। हालांकि देखिए, फ्राइडे का सेशन जो है उसमें बिकवाली जो है वो देखने को मिल रही है, और उसकी जो वजह है वो कहीं ना कहीं HDFC ट्विंस में जो बिकवाली आई है वो भी माना जा रहा है। तो अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं मार्केट्स के लिए, और क्या आपको लगता है कि अभी आने वाले महीनों में जो रैली हमें देखने को मिली थी वो आगे भी सस्टेन कर सकती है? इसमें दो चीजें हैं हमें देखनी है कि अगर हम सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के इन आइसोलेशन में अगर देखते हैं उनको, तो वैसे भी ये ओवर एक्सटेंडेड तो है ही टेक्निकल लेवल्स पे। लेकिन दूसरी चीज मुझे जो इतना थोड़ा डिस्कम्फर्ट दे रही है वो है कि इंडिया विक्स जो कि वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है वो अपने काफी नीचे के लेवल्स पे है। इसने ना ही सिर्फ 2021 का भी लेवल से नीचे गया है, बट इट इज ऑल्सो मतलब 2020 का भी जो पैंडेमिक से पहले का लेवल था उसको ऑलमोस्ट वहां जाके उसने वो लेवल टेस्ट किया है जब उसने 11 के नीचे किया था क्लोजिंग। तो अगर VIX इतना नीचे रहता है तो उसका मतलब है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेसेंट है, और ये मार्केट को एक तरह से एक करेक्टिव मूव के लिए की कगार पे रखता है मार्केट को, एक तरह की वल्नरेबिलिटी आती है। तो एक शार्प प्रॉफिट टेकिंग बाउट्स मार्केट में आने की पूरी गुंजाइश है, और काफी हमने ये भी देखा है अक्सर कि काफी ज्यादा लो लेवल्स जो होती हैं वो मार्केट टॉप्स के बनने में भी उनका हाथ होता है, टेम्पररी मार्केट टॉप्स जिसे कहते हैं। और अगर हम सिर्फ कल का सेशन देखें तो कल का जो हाई पॉइंट है जो 18,267 का, उसको हम राउंड ऑफ करते हैं 18,300 का, तो 18,300 लेवल ऐसी है कि वो एक टेम्पररी निफ्टी के लिए टॉप बन गई है, और जब तक 18,300 के ऊपर निफ्टी नहीं जाती है तब तक कोई मीनिंगफुल अप मूव इसमें नहीं आएगा और हम कुछ कंसोलिडेशन या करेक्शन की ओर देख सकते हैं। ओके, एब्सोल्युटली। सो ये लेवल्स आप अपने लिस्ट में ज़रूर शामिल रख सकते हैं। और ऑल्सो मिस्टर वैष्णव, अगर हम आज फ्राइडे के सेशन की बात करें तो उसमें HDFC ट्विंस काफ़ी लाइमलाइट में हैं, और वो इसलिए है क्योंकि MSCI इंडेक्स फैक्टर में जो बदलाव हुआ है उसके चलते ये दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो एक की जगह 0.5 का इंडेक्स फैक्टर जो है वो लागू होगा, और कहीं ना कहीं $15 करोड़ की बिकवाली की भी आशंका यहाँ पे बताई जा रही है। तो आपकी क्या राय रहेगी HDFC ट्विंस पर, और टेक्निकल चार्ट्स क्या सजेस्ट करते हैं इन दोनों स्टॉक्स के लिए? टेक्निकल चार्ट्स इनफैक्ट आज के सेशन से पहले अगर हम कल के क्लोजिंग का चार्ट देखते हैं डेली चार्ट, तो इसमें एक बाय सिग्नल दिया था, इट वॉज एक तरह का ब्रेकआउट का सिग्नल था, लेकिन आज उसने दिया है ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। MSCI इंडेक्स में जो भी बदलाव किया गया है, जो भी फैक्टर चेंज किए उससे इंक्रीमेंटल जो फ्लो आते हैं ये स्टॉक में नहीं आएंगे, इनफैक्ट आउटफ्लोज आएंगे।
लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंडेक्स में एडजस्टमेंट्स आते रहते हैं और ऐसे मौकों को इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स में एंटर करने के लिए यूज करनी चाहिए। और हम लोग इसमें 2 या 3 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन से ये स्टॉक ये लेवल पे दोनों स्टॉक एक्युमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मर्जर के बाद इसमें वैल्यू अनलॉकिंग भी होगा। तो अगर ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये सही नहीं होगा कि इसमें अभी स्पेकुलेटिव मूव करें, लेकिन जो भी इन्वेस्टर्स है और 2 या 3 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन से अच्छे स्टॉक पिकिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा मौका है कि ये लेवल पे ये लोग एंटर इसमें कर पाए। ओके, एक अच्छा मौका है यहाँ पे। और इसके अलावा देखिए एफएमसीजी स्पेस जो है वो भी काफ़ी लाइमलाइट में बना हुआ है। हमने देखा है कि जो नंबर्स हैं वो मिक्स रहे हैं, नेस्ले ने अच्छे सेटअप नंबर्स रिपोर्ट करे हैं, वहीं एचयूएल की तरफ से इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है, डाबर ने भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया है। तो आपकी क्या राय रहेगी एफएमसीजी स्पेस पे, और कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपको इस पैक से अच्छे नज़र आ रहे हो स्पेशली एट दिस पॉइंट इन टाइम? हाँ, इसमें 2 चीजें हैं। अगर हम जब भी एफएमसीजी की बात करते हैं, मैं उनके साथ कंजप्शन स्पेस की भी साथ में बात करूंगा। दोनों ही इंडेक्सेस है, निफ्टी एफएमसीजी, वो रिलेटिव रोटेशन ग्राफ जो कि सेक्टर रोटेशन को स्पॉट करता है, वो सेक्टर रोटेशन के लीडिंग क्वाड्रेंट में है। मतलब वो ब्रॉडर मार्केट अपना जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 उससे अच्छा बेहतर उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और निफ्टी कंजप्शन उसने इंप्रूविंग क्वाड्रेंट में एंट्री ले रखी है एंड इट इज रोटेटिंग, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रोटेशन दिखा रहा है टुवर्ड्स द लीडिंग क्वाड्रेंट। तो ये सारी चीजों का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि दोनों ही सेक्टर्स का एफएमसीजी और कंजप्शन का रिलेटिव मोमेंटम ब्रॉडर मार्केट से बेहतर है, तो वो ब्रॉडर मार्केट से आउट परफॉर्म कर सकते हैं रिलेटिव टर्म्स पे। तो जब हम मार्केट में पॉसिबल करेक्शन या कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें सेटअप डिफेंसिव रहेगा मार्केट्स का, तो इसमें डिफेंसिव सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म करेंगे और एफएमसीजी और कंजप्शन भी रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करेंगे। अभी जब मैं रिलेटिव परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो उसका मतलब ये हुआ कि मार्केट डिक्लाइन के साथ ये सेक्टर्स में भी डिक्लाइन आता है, ऐसी बात नहीं है कि अगर मार्केट गिरती हो एंड दिस सेक्टर्स कंटिन्यू टू राइज, ऐसा नहीं है। मार्केट के साथ डिक्लाइन इसमें भी आता है लेकिन रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस होता है, तो होता क्या है कि ये रेजिलिएंट बिहेव करते हैं, उसमें डिक्लाइन आता है लेकिन मार्केट से कब आता है। और जहां तक कुछ स्टॉक स्पीकिंग की बात हो गई तो आई वुड स्टिक टू ट्रेडिशनल नेम्स विद इन द कंजप्शन पैक की आईटीसी है, हिंदुस्तान लीवर है, गोदरेज कंज्यूमर है और टाटा कंज्यूमर है। ऐसे लार्ज कैप और फ्रंटलाइन स्टॉक्स को मैं ज्यादा अहमियत दूंगा जब भी स्टॉक पिकिंग की बात आती है। ब्रिटानिया है फॉर दैट मैटर, सारों की रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी है मार्केट से, तो ये सारे स्टॉक्स मेरे हिसाब से हमारे रडार में रहने चाहिए। और चलिए अब आते हैं वो ऐसे 3 टेक्निकल स्टॉक आइडियाज पर जो नियर टर्म के लिहाज से दे सकते हैं आपको अच्छी रिटर्न। तो कौन से वो ऐसे स्टॉक्स हैं मिस्टर वैष्णव जो आज आपकी लिस्ट में शामिल है? इसमें मैंने तीनों स्टॉक्स जो है मैंने लिए हैं ब्रॉडर मार्केट से, मैंने फ्रंटलाइन इंडेक्सेस में ऐसे नहीं लिए हैं। तो पहला मेरा टेक्निकल पिक होगा बीडीएल, दैट इज भारत डायनामिक्स, एक अच्छा खासा डबल टॉप ब्रेकआउट की ओर ये देख रहा है। तो इसको हम 1040 के ऊपर ले सकते हैं, 1045 के ऊपर ले सकते हैं, 1225 का टारगेट और 950 का स्टॉप लॉस इसमें हम रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है वो है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, जिसमें एक अच्छा खासा बुलिश एसेंडिंग ट्रायंगल बनता दिख रहा है, तो उसमें हम 3230 के लेवल पे उसको ले सकते हैं, 3230 के ऊपर इसको ले सकते हैं। 3550 का इसमें टारगेट रहेगा और 3100 का स्टॉप लॉस। और तीसरा है वो है इंडिया सीमेंट्स, इसमें हम माइनर ट्रेंड रिवर्सल देख रहे हैं, तो ये 190 पे हम ले सकते हैं, 214 का टारगेट और 178 का स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं। ओके, एब्सोल्युटली। सो भारत डायनामिक्स, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन और इंडिया सीमेंट्स, ये वो ऐसे टेक्निकल स्टॉक आइडियाज हैं जिन पर नियर टर्म के लिहाज से आप रख सकते हैं अपनी नज़र। और इसी वंडरफुल नोट पर थैंक यू सो मच मिस्टर वैष्णव फॉर टेकिंग द टाइम आउट, आप हमारे साथ आज इस शो में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।